हे गाइस, वेलकम टू असली चैनल। तो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्या रॉक एंड कोडी का मैच लीक हो चुका है, डेट उसकी, एंड गाइस रोमन रेंज का रिटर्न कब होगा, एंड गाइस हमारी मंडे नाइट रॉक की मैसिव व्यूअरशिप आई है। तो गाइस हर अपडेट कवर करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को करना सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है मंडे नाइट रॉक की व्यूअरशिप से। तो भाई साहब, मंडे नाइट रॉक व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर चली गई है। जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आती थी बिल्कुल सेम आफ्टर रसलमेनिया नेक्स्ट रॉ शो पे इतनी व्यूअरशिप आई है भाई साहब, ग्रेटेस्ट व्यूअरशिप आई है 2.2 मिलियन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्यूअरशिप आई है मंडे नाइट रॉ की। लेकिन गाइस, जब गाइस रॉक एंड कोडी का सेगमेंट चल रहा था, जब रॉक ने कोडी को बेल्ट दिया, एक्सचेंज की थोड़े टाइम के लिए बेल्ट, तो उस टाइम पे 3 मिलियन व्यूअरशिप आई है ऑन एयर पे। दिस इज द रियलिटी, 3 मिलियन व्यूअरशिप भाई साहब। ये ट्वीट आया, चेक कर सकते, 3 मिलियन व्यूअरशिप क्रॉस कर गई है उस टाइम पे मंडे नाइट रॉ की। एंड दिस इज द रेसलमेनिया आफ्टर फर्स्ट शो एंड द ब्रेक व्यूअरशिप रिकॉर्ड। मंडे नाइट रॉ ने व्यूअरशिप रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। हम स्मैकडाउन की देखते थे व्यूअरशिप 2 मिलियन पहुंचती है क्योंकि फॉक्स नेटवर्क था। लेकिन गाइस यूएसए पे दैट इज द ग्रेटेस्ट व्यूअरशिप एवर मेकिंग बाय डरली मंडे नाइट रॉ। 2 साल से कभी आई नहीं 2.2 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप, और अब ये देखो गाइस रॉक एंड कोडी का ऐसा सेगमेंट हुआ है जिसने 2.2 मिलियन से ऊपर की व्यूअरशिप मतलब ग्रैब कर दी उस लेवल की। एंड गाइस ड्रू मैकइंटायर भी थे, एंड सीएम पंक, इवन जॉन सीना भी थे। तो भाई साहब 2 मिलियन से ऊपर का तो डिजर्व करती थी। एंड ये फर्स्ट टाइम एवर ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ हुई है जिसमें 20 मिलियन पीपल थे, सोल्ड आउट शो था आफ्टर रेसलमेनिया, एंड भाई साहब ये पेपर व्यू लेवल का था। तो गाइस ये अपडेट थी व्यूअरशिप से। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे रॉक से। तो क्या रॉक का समर स्लैम में कोडी के साथ मैच होना कंफर्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने टाइटल एक्सचेंज की। ऐसे तो की नहीं होगी कि कोडी ने हमारे जो कोडी को रॉक ने कहा कि मैंने आज तक ये टाइटल नहीं देखी, तो क्या ये एक्सचेंज टाइटल जस्ट 2 मिनट, एंड कोडी ने उन्हें टाइटल दे दी। लेकिन उन्होंने अपने कंधे पर टाइटल रखने के बाद ये कहा कि मैंने हर टाइटल अचीव की है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, बट आई डोंट अचीव डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल टाइटल। तो इससे क्या हो रहा है कि इन फ्यूचर इनकी फ्यूड होने वाली है, एंड जो हाथ में कुछ पकड़ा है उसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर कोडी को फेस करेंगे रॉक समर स्लैम में, जब अपनी शूटिंग कंप्लीट करके आ जाएंगे, एंड देन इनका मैच होगा समर स्लैम में, एंड देन ही इज द ग्रेटेस्ट मैच एवर मेकिंग बाय रेसलमेनिया। और उसके बाद रोमन एंड रॉक का होगा नेक्स्ट रेसलमेनिया में, क्योंकि गाइस आप मान के चलो कि कोडी इस टाइम पे पीक लेवल पुश पे, एंड कोडी को लेकर भी किसी ने कमेंट किया, मैं वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन कोडी इस टाइम पे पीक पे, लेकिन यार आफ्टर सम टाइम थोड़ा बहुत बंदे का ना पीक नीचे जाता ही है। ये कहने की बात है कि पहले बंदा बहुत पीक पे जाता है, हाँ जाता है, लेकिन गाइस एट द एंड जैसा रोमन रहेगा ट्राइबल चीफ वाला गेमिंग था, वो नेक्स्ट लेवल पे गया, वो लेके गए हैं। लेकिन गाइस सेम टाइम कोडी रोड्स का जो नाइटमेयर गेमिंग है, क्या पता उस लेवल पे जा पाए या ना जा पाए। अभी ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये उस लेवल से भी ऊपर जा सकता है। तो देखो गाइस क्या होता है। बाकी देखो रॉक एंड कोडी तो कन्फर्म मार के चलो ये होगा। एंड गाइस रोमन रे ने क्या अपना मतलब रिवील कर दिया है कि वो रेसलमेनिया सॉरी समर स्लैम के पहले वाले गो होम शो पे आने वाले। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी जो फोटो डली थी उस पे 10 मिलियंस व्यू आए हैं, एंड गाइस लाइक 1.5 लाख के करीब है जो उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट की थी आफ्टर रेसलमेनिया फर्स्ट रिएक्शन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो वही चीज़ ये डिपेंड कर रही है कि हाँ कि रोमन रे आफ्टर हमारे जो होगी समर स्लैम उसके लिए एडवर्टाइजर से पहले आएंगे, एंड भाई साहब चैलेंज करके कोडी रोड्स को या कोई और स्टोरी लाइन में आएंगे, एंड स्मैकडाउन भी होने वाली है। तो देखो गाइस कुछ भी उसका बाकी था। इस हमारे आईवार एंड फाइनल टेस्टामेंट एनएक्सटी में डेब्यू कर चुके हैं, उन्होंने एनएक्सटी में डेब्यू कर लिया है, एंड फाइनल टेस्टामेंट हार गई थी रेसलमेनिया में, और उन्होंने अटैक कर दिया टैग टीम पे। एंड गाइस ब्रॉन ब्रेकर अब स्मैकडाउन में आने वाले हैं, उनका लास्ट डे था एनएक्सटी में, एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो डेब्यू करवाने वाली है मेन रोस्टर पे। नतालिया चैलेंज कर रही थी नतालिया भी। तो गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे डोमिनिक डाइजिकोवा टी बार से। तो गाइस उन्होंने ये कहा कि अभी आपको लग रहा है कोडी रोड्स बहुत पीक पे है, लेकिन एक टाइम पे कोडी रोड्स को बहुत बड़ी बूम मिलने वाली, हेट मिलने वाली पब्लिक की तरफ से, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि एक टाइम आएगा जब उन्हें बहुत बूम मिलेगी, और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर गाइस बूम भी मिलेगी तो हील टर्न कर देंगे, ये कोई बड़ी टेंशन नहीं होती। हील टर्न भी हो जाए बंदे का वो भी परफेक्ट रहता है। एंड राइट नाउ कोडी रोड का अभी जो चल रहा है ना वो नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। अभी फ्यूचर में कुछ नहीं पता किस लेवल पे जाएगा या किस लेवल पे बूम मिलेगी। हील टर्न भी जैसा रोमन रेंज का भी पहले फेस करेक्टर था, बाद में ट्राइबल जी वाले करेक्टर था, उन्होंने कितना अच्छा किया। एंड राइट नाउ जो रोमन रेंज का करेक्टर हारा है उसके बाद उन्हें कितना मतलब किया जा रहा है कि ये बेस्ट था, ये ऐसे थे, एंड उनके फैंस ने कितना बोला है कि हाँ
उन्हें टाइटल रिलिंक्विश कर देनी चाहिए, थी हारना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है, बाकी देखो गाइस क्या होता है कोडी रोड्स के साथ नेक्स्ट, बाकी उनके साथ ऑन द लाइन कौन आता है नेक्स्ट फ्यूड में वो भी पता चल जाएगा। तो गाइस मैं फाइनल अपडेट जुड़ी वो जुड़ी कोडी रोड से, तो कोडी रोड ने आफ्टर सर्मिया से पहले उनकी मर्चेंडाइज ने 1 मिलियन का बिजनेस कर लिया है एंड दैट इज द बिगेस्ट बिजनेस एवर। जो कोडी रोड की मर्चेंडाइज है उस मर्चेंडाइज से 1 मिलियन से ऊपर का बिजनेस कर लिया एंड दिस इज द रिकॉर्ड एंड रसल मीने में बहुत से रिकॉर्ड बने हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, थैंक यू सो मच एंड गाइस सब्सक्राइब करना।